सोना तुम कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ इस वक्त। क्यों, क्या मुहूर्त निकलवा के जाऊँ? मेरा मतलब है मुझे तुमसे कुछ काम है। अरे चंपकलाल, आपको हमेशा मुझसे ही कुछ काम होता है, बोलिए क्या काम है? मैं अपने बैग में से कुछ किताबें निकाल सकता हूँ? अरे निकाल लो बाबा, अभी बैग लेकर आता हूँ। अरे सुनो, इतना भारी बैग तुम बाहर कहाँ लेकर आओगे? मैं ही रसोई घर में जाके कुछ किताबें निकाल लेता हूँ। ये लो बैग तुम्हारा। थैंक यू। और जल्दी करो, मुझे बाजार जाना है। सोमनाथ, एक गिलास पानी मिलेगा? क्यों, बैग को नहलाना है? अरे नहलाना नहीं, पीना है। पीना है? क्या आदमी मिला है समझ? अरे मटकेगा नहीं, फ्रिज का ठंडा पानी बर्फ डाल के। फ्रिज का ठंडा पानी बर्फ डाल के बीमार पड़ जाओगे? अरे नहीं, ये फायदेमंद है सेहत के लिए। अरे मैंने साइंस मैगजीन में पढ़ा है कि गर्मी में गर्म पानी और ठंडी में ठंडा पानी पीना चाहिए। ठंडी में ठंडा पानी पीना चाहिए? मुझे तो तुम्हारा सिस्टम समझ में नहीं आता है। आएगा भी नहीं, मुझे समझना भी नहीं है। ठंडे पानी में बर्फ डाल के लाकर देता हूँ, पियो, मेरा क्या जाता है? ये लो। थैंक यू। क्यों, क्या हुआ? पानी बहुत ठंडा था। सोमनाथ, ये बैग तुम रख दो वापस, मैं किताब फिर कभी आगे निकाल लूंगा। इस वक्त लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्यों, अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि ठंडा पानी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, अब डॉक्टर के पास जा रहे हो? जाओ जाओ, खर्चा करो रुपया। मुझे भी लगा दिया इसमें। चंपकलाल जी, सुना है आपने किसी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली है, कैसे चल रहा है आपका कामकाज? फर्स्ट क्लास, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। कृष्णा जी, जी आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? बैंक जा रहा था कुछ पैसे जमा कराने के। ऐसी गलती कभी मत करना कृष्णकांत जी। क्यों? क्योंकि आजकल बैंक में पैसा रखना भी सेफ नहीं है। आपने उस बैंक डकैती के बारे में नहीं सुना? ये सब तो होता ही रहता भटनागर साहब, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बैंक में पैसा जमा करना बंद कर दिया जाए। चोर हमेशा पकड़ा जाता है। आप देखना, ये चोर भी बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगा। बस मैं चंपकलाल तक तो पहुंच गया हूं, अब आगे क्या करना है? सांप पर हमला करने के लिए उसे अपने बिल से बाहर निकालना है। मैं समझा नहीं। समझाता हूं। आज आधी रात को तुम्हें चुपकर चंपकलाल के घर जाना होगा और ठीक 1 बजे चंपकलाल के घर पर टेलीफोन की घंटी बजेगी। ये लो। ये क्या है? नींद की गोली है। बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम रात में ठीक से सो नहीं पाते हो, कुछ परेशानी है? ऊपर से सर्दी ने भी परेशान किया हो, तुम्हारे कारण मैं भी सारी सारी रात नहीं सोती। अब सो जाओ, सुबह शादी में भी जाना है। चंपा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। चंपकलाल,
तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन बोल रहा हूँ? बॉस? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं बॉस बोल रहा हूँ? मैं जग्गू बोल रहा हूँ। यू इडियट, तुम फोन पर क्या कर रहे हो? जलेबी खाने आऊँ। मैंने वहां तुम्हें किसी जरूरी काम के लिए भेजा है, जलेबी खाने के लिए नहीं। बॉस, चंपक लाल सो रहा है। तुम्हें फोन उठाने की क्या जरूरत थी? क्या कहूं? तुम फोन नहीं सकते, मैं दोबारा फोन करता हूँ। ओके। अच्छा मैं देखता हूं। हेलो चंपकलाल, मुझे मालूम है कि इन दिनों तुम्हारे पास बहुत पैसा है। कौन हो तुम? कौन से पैसे की बात कर रहे हो तुम? उसी पैसे की जो तुम्हारा नहीं है, और वो सारा रुपया इस वक्त मेरे पास है। गुड नाइट। अरे बंद कर दिया। अरे बोलते क्यों नहीं तुम? कौन हो तुम? लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूं। ये तो सच है। हे भगवान, मेरे बंगले और गाड़ी का क्या होगा? कृष्णकांत जी के घर जाकर अभी पैसा, अभी कृष्णकांत जी के घर जाऊंगा तो सब लोग जाग जाएंगे, मुझे सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब सारा पैसा कृष्णकांत के घर में है। कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनता है। इतना जल्दी उठा देता है ये दूध देने वाला। ये तो दूध मांगने वाला आ गया। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अभी दूध नहीं आया, दूध आया उसके बाद आना। अरे मैं दूध मांगने नहीं आया हूँ, मैं अपनी किताबें देखने आया हूँ। अच्छा तो इतनी सुबह सुबह तुमने अपनी किताबों के लिए मुझे जगा दिया? मैं तो तंग आ गया हूँ तुम्हारी किताबों से। तुम्हारा बैग उठा कर यहाँ से ले जा। अरे सुनना, अरे नहीं नहीं ये लो तुम्हारा बैग, ले जाओ यहाँ से। अरे नहीं प्लीज, बैग को यहीं पे रहने दो, मुझे सिर्फ एक दो किताबें देखनी है। हाँ भाई जल्दी से निकाल लो, मेरी नींद खराब मत करो। क्या हुआ, जल्दी करो ना। सोमनाथ, एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा बर्फ डाल के। ओहो, मेरी समझ में तुम्हारा सिस्टम नहीं आता है। जब भी तुम ये बैग खोलते हो मुझसे तुम एक गिलास ठंडा पानी मांगते हो। सोमनाथ प्लीज, तुम तो मेरे भाई हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ। अरे मेरे पैसे। पानी, अभी लोगों ने सुबह सुबह की चाय भी नहीं पी और तुम ठंडा पानी पी रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा अब मैं चलता हूँ। लेकिन तुमने अपनी किताब तो निकाली नहीं? नहीं, मुझे सिर्फ अपनी एक किताब देखनी थी रेफरेंस के लिए। अच्छा। मुझे बीवी के साथ किसी शादी पे जाना है। अच्छा मैं चलता हूँ। गया। बैग, अरे बैग कहाँ गया? चंपकलाल ने
बैग यहाँ पर क्यों छुपाया? देखना पड़ेगा। इतने सारे रुपये चंपकलाल के पास कहाँ से आ गए? और अब मेरे पास है, मैं फंस जाऊंगा, मुझे पकड़ लेंगे। मैं बेकसूर हूँ, मैंने बैंक नहीं लूटा, ये बैंक भी चंपकलाल का है और सारे रुपया भी चंपकलाल का है। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है, ये रुपया मेरा कैसे हो सकता है जब इसके पास से मिला हो? अरे सोमनाथ, सोमनाथ तुमने ऐसा क्यों किया? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। सोमनाथ, अब तेरा सिस्टम फेल होने जा रहा है। ये चंपकलाल को चालाक आदमी नहीं है सर, लेकिन कृष्णकांत बहुत होशियार आदमी मालूम पड़ता है। कल जब मैंने उसके सामने बैंक रॉबरी के बारे में बातचीत की तो उसने इस बात को ऐसे लिया जैसे बैंक रॉबरी से उसका कुछ लेन देन ही ना हो। वो तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट चंपकलाल? चंपकलाल जरूर घबरा गया था सर। और आगे क्या प्लान है? आज रात में कृष्णकांत के घर की तलाशी लेने वाला हूँ सर। इसका मतलब है कि सारा रुपया कृष्णकांत के घर में है। हाँ, और आज रात में उसके घर की तलाशी लेने वाला हूँ। दूध जल्दी से पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। पी लेंगे भाई। जीवन साथी मिले मेरी दुआ है, फूल से तो जगू भाई कमाल है यार, आज तो बहुत देर से आए। क्यों, फिल्म देखने गए थे क्या? जी नहीं, सर्कस देखने गया। सर्कस? फिल्म तो आजकल लोग वीडियो पे देख ही लेते हैं। अच्छा अच्छा, कौन सी सर्कस देखने गए थे? मैं कोई भी नाम हो सकता है। अकेले गए थे? आप क्यों पुलिस वालों की तरह सब कुछ पूछे चले जा रहे हैं? अरे अरे भाई, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था वक्त काटने के लिए। लगता है आप बुरा मान गए, सॉरी। जी बुरा मानने की इसमें क्या बात है? आपने आज दूध ही पिया? क्या बात है भाई, लीजिए ठंडा हो रहा है आपका दूध। थैंक यू जगू, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। तुम भी पियो? हाँ पीते। अरे भाई, लगता है दूध का स्वाद कुछ आज ज्यादा ही अच्छा है। क्यों? सोमनाथ ने शायद शक्कर ज्यादा ही मिला दी। सोमनाथ ने? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट जगो। गुड नाइट। गुड नाइट। सोमनाथ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बैग किसका है? मालिक, आप मुझे बचा लीजिए वरना ये मुझे जेल भिजवा देगा। कौन जेल भिजवाएगा? तुमने किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया है मालिक, जो कुछ भी किया है चंपकलाल ने किया है। चंपकलाल ने बैंक लूटा है और बैंक का रुपया इस बैग में डालकर वो मेरे पास छोड़कर चले गए हैं। मालिक, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचा लीजिए मालिक, मैं बेकसूर। सोमनाथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये बैग मुझे दे। नहीं मालिक, जाने दीजिए बैग। सोमनाथ, ये बैग मुझे दे दो। जी आइए आइए। क्या मैं आपका वो किताबों वाला बैग लेकर आऊं? शायद आपको देखना हो। अरे सोमनाथ जी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, आज मैं अपना बैग वापस ले जाता हूँ। ले जाइए, आप ही की चीजें आपके दिल में आए, जब ले जाइए। आइए ले, चलो चलिए। चंपकलाल जी, बैग इधर नहीं उधर। ओह थैंक यू।
चंपकलाल जी, आपके लिए फ्रिज का ठंडा पानी बर्फ डालकर लाऊं? थैंक यू वेरी मच। किताबें? ठंडा पानी चंपकलाल जी, क्या हुआ? अरे इसमें तो किताबें हैं। तो और इसमें क्या होना चाहिए? रोज तुम किताबें ही तो देखने आया करते हो। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन आना दूसरी है। लेकिन है तो किताबें ही ना। सोमनाथ, मुझे बेवा को बुलाने की कोशिश मत करो। कहाँ है वो रुपया? कौन सा रुपया भाई? वो जो उस बैग में पड़ा हुआ था। तुमने तो कहा था कि उसमें किताबें हैं। सोमनाथ, मेरा रुपया तुमने छुआया है और चोरी करना पाप है और बैंक लूटना पुण्य है। मुझे मालूम पड़ गया है कि तुमने बैंक लूटा है और उस बैग के अंदर बैंक का पैसा है। खबरदार, अगर तुम दोनों में से कोई भी हिला दो, मैं तुम दोनों को बैंक लूटने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। जाओ वो बैग लाके मुझे दो। चंपकलाल, सुनो, तुम जाओ। तुम जाओ। आप है कौन? सेड इंस्पेक्टर। आप सेड इंस्पेक्टर हैं? इंस्पेक्टर, वो बैग मुझे दे दो। कम ऑन, बहुत भारी है। तुम क्यों अपने नाजुक हाथों को तकलीफ दे रहे हो? चगू, ये सब क्या है? इस बैग में हमारा रुपया है और मैं उसी रुपए को लेने के लिए इस घर में आया था। कम ऑन, क्या देना अभी बड़ी? चलिए अंदर चलो, चलो चलो अंदर चलो। बस यस, ये रहा आपका बैग और ये रहे पैसे। वेरी गुड दक्कू, तो मैं सबसे ज्यादा काम के आदमी हूं। इंसानियत का रास्ता सबसे बड़ा रास्ता, सच्चाई की पूजा सबसे बड़ी पूजा, ये सब क्या है? मैं तुम लोगों हर बार रुपया लेने के लिए भेजता हूं और किताब लेकर चले आते हो। क्या तुम चाहते हो मैं अपना धंधा बंद कर दूं और किताबों की दुकान खोल लूं? रघु, ये सब यूं ही रख दो। सॉरी बॉस, क्या है कि कॉम्बिनेशन में शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बंद करें बकवास, दम लगा मेरे सामने से। अब मैं ये काम खुद ही करूंगा। क्या बात है भटनागर साहब? मालिक, ये खाली भटनागर साहब नहीं, ये तो सीआईडी इंस्पेक्टर भटनागर साहब है। क्या? हाँ? जी हाँ, कृष्णकांत जी, आपने जगू को बाहर से जाते हुए देखा? नहीं तो, लेकिन क्या हुआ? ये वही आदमी जिसने बैंक को लूटा है और अब बैग लेके फरार है। खबराए नहीं इंस्पेक्टर साहब, उस बैग में रुपए नहीं है, सिर्फ किताबें। क्या? तो उस बैग में किताबें आपने डाली थी? तो रुपए? वो रुपए मुझे चाहिए। कौन अभी जाएगा नहीं लेगा? हेलो इंस्पेक्टर भटनागर, दिस इज जीब्रा। जीब्रा, बताओ वो रुपए कहां है? जल्दी बताओ वो रुपए कहां है? नहीं तो ये चुहिया जैसी खोपड़ी हवा में उड़ती नजर आएगी। नहीं, वो रुपए मैंने सोमनाथ को दे दिए थे, मुझे नहीं मालूम। सोमनाथ? मेरे पास कुछ नहीं है मालिक, आप मुझे बचाइए। खामोशी में तुम कितने अच्छे लगते हो। नहीं? मिस्टर भटनागर, नहीं? इसका मतलब है आप लोग इस तरह से नहीं बताएंगे। अब मैं 5 तक गिनती गिनता हूं, उस वक्त तक या तो मुझे रुपए मिल जाने चाहिए नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। नहीं? एक, दो, तीन, चार। नहीं, नहीं, जगह सब आगे मत।
मुमकिन है, मैं आपको रुपये ला के देता हूँ। सोमनाथ तुम क्या करो? मालिक सबकी जिंदगी का सवाल है, मुझे रुपये इनको दे देने चाहिए, मुझे लाने दीजिए रुपये, मैं जाता हूँ। वेरी गुड सोमनाथ, वेरी गुड, गो फास्ट। इंस्पेक्टर भटनागर, तुम अपने को बहुत बड़ा 30 मार का समझते थे ना? नहीं आओ सोमनाथ, ये लो आपका रुपया, आप सबको छोड़ दीजिए। पहले रुपये तो मिले तो खोलो। सो खोलता हूँ, लेकिन आप सबको छोड़ दीजिए, ये लीजिए आपका मेरे रुपये, मेरे रुपये। सिस्टम सिखा देता हूँ मैं। इंस्पेक्टर। यस सर। गिरफ्तार करो इसे। ओला गिरफ्तार करो इसे। तो चक्की पीसने के नए नए तरीके पढ़ोगे? नहीं, चलो लेकिन कृष्णकांत जी, वो रुपए? इंस्पेक्टर साहब, वो रुपए मैंने पुलिस स्टेशन में जमा करा दिए थे। भाई सी, इंस्पेक्टर साहब मेरा क्या होगा? भाई इसका फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन चंपकलाल तुम्हारे फर्ज था, जैसे ही तुम्हें वो बैग मिला तुम्हें वो बैग पुलिस तक पहुंचा देना चाहिए था। खैर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन वो रुपया जो तुमने खर्च कर लिया वो तो तुम्हें वापस लौटाना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब। चंपकलाल जी, वो रुपया इस बार तो मैं भर दूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो रुपया आपकी अपनी कमाई का ना हो उसे खर्च करने का अधिकार भी आपको नहीं है।